नमस्ते छात्र, आज मैं तीसरा लेसन दो वर्णों वाले आमंत्रित शब्द के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। वर्ड्स विद टू लेटर्स विदाउट सिंबल्स, दो वर्णों वाले आमंत्रित शब्द अंदर विदाउट सिंबल्स अंतर ये मात्रे उपयोग इदे शब्द नावि नोड़ फल फ प्लस ल इजल टू फल दो अक्षरों का मिलान से क्या हुआ है, एक शब्द बना है। ऐसे ही न प्लस ल इजल टू नन। ऐसे ही कुछ शब्द दिए गए हैं कल जन गर रट बल तन धर पट चल फन दर हट जल दन पर तट नल मन भर घट। ये सभी क्या है, शब्द हैं जो तीसरा लेसन में दिया गए हैं। अब एक बार मैं उनको दोहराती हूँ, कल जन घर रट बल तन धर पट चल फन नर हट जल दन पर तट नल मन भर घट। ये सभी क्या है, जो शब्द है। ऐसे ही जो शब्द के मिलान से क्या होता है, अर्थपूर्ण शब्दों के मिलान से जो वाक्य बनता है उसके नीचे है देखिए, दिए गए वाक्यों में वाक्यों को पढ़िए और उनका अर्थ समझिए, है ना। दिए गए वाक्यों को पढ़िए और उनका अर्थ समझिए। घर मत घर चल, घर पर रह घर पर पढ़, कट पढ़ मत कर कट पट मत कर रट रट कर पढ़। इसका जो मतलब मैं बताती हूँ, इसका अर्थ मैं बताती हूँ। डर मत डर चल, डर यानी भया, डर मत अंदरे भया पड़ बेड़ा, घर चल घर यानी मने मने के होगण, भया पड़ बेड़ा मने के होगण। घर पर रह घर पर पढ़ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರು, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಓದಬೇಕು, ಪಡ್ ಅಂದರೆ ಓದೋದು, ಘರ್ ಪರ್ ರಾಹ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಓದೋಣ ಅಂತ. ಖಟ್ ಪಟ್ ಮತ್ ಖರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಗಡ್ಬಡ್ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಾಟಿನೆಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಟುತನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ. ಖಟ್ ಪಟ್ ಮತ್ ಖರ್ ರಟ್ ರಟ್ ಕರ್ ಪಡ್ ಅಂದರೆ ತೊದಲಿಸದೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ರಟ್ ರಟ್ ಕರ್ಪಡ್ ಅಂದರೆ ಪಟಪಟ ಅಂತ ಓದೋದು, ರಟ್ ರಟ್ ಕರ್ಪಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪಟಪಟ ಅಂತ ಓದಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಸರಳವಾಗಿ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪಟಪಟ ಅಂತ ಓದಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ರಟ್ ರಟ್ ಕರ್ಪಡ್ ಅಂದರೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಓದೋದು. ಹಟ್ ಮತ್ ಕರ್ ನಲ್ ಪರ್ ಚಲ್, ಹಟ್ ಮತ್ ಕರ್ ನಲ್ ಪರ್ ಚಲ್. ಜಟ್ ಪಟ್ ಟಬ್ಬರ್ ಜಟ್ ಪಟ್ ಟಬ್ಬರ್ रुक मत चल, चल कर फल रख, चल कर फल रख. इसका जो मतलब है, इसका जो अर्थ है, हट मत कर नल पर चल अंदरे हटवन मे नीनु एल्लिगे होगो, नल अंत अंदरे टैप, आ टैप हत्र होगो. जट पट टब्बर बेग बेगने आ टब्बन अथवा अल्लिरुवंत ओंदु टब्नल्लि नीरन्नु तुंबो, भर अंदरे तुंबोदु. ರುಕ್ ಮತ್ ಚಲ್ ನಿಲ್ಬೇಡ, ಬೇಗ ಹೊರಡು. ಚಲ್ ಕರ್ ಫಲ್ ರಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಿಡು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಫಲ್ ಅಂದರೆ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಇಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಜೋ ಇಸ್ ಪಾಠಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಬೇಕ್ದವ್ರು ಅಬೇಕ್ ಬಾರ್ದವ್ರು ಅವಂಗೆ ಡರ್ಮತ್ ಘರ್ ಚಲ್, ಡರ್ಮತ್ ಘರ್ ಚಲ್, ಘರ್ ಪರ್ ರಾಹ ಘರ್ ಪರ್ ಪಡ್, ಘರ್ ಪರ್ ರಾಹ घर पर पढ़. कटपट मत कर, कटपट मत कर. रट रट कर पढ़, रट रट कर पढ़. हट मत कर, हट मत कर. नल पर चल, नल पर चल. जटपट टब्बर, जटपट टब्बर. रुक मत चल, रुक मत चल. चल कर फल रख, चल पर चल कर फल रख. ಎಸ್, ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಪಾಠ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ
जो दो वर्णों वाले आमंत्रित शब्द अब एक बार मैं पूरा दोहराऊंगी। पहला यह शब्दों को देखिए, फल नल, कल जन घर रट, कल जन घर रट, बल तन ढर पट, बल तन ढर पट, चल फन नर हट, चल फन नर हट, जल धन पर तट, जल धन पर तट, नल मन भर घट, नल मन भर घट। और उसके बाद जो पाठ है मैं अब एक बार आपको पढ़कर सुनाऊंगी। डर मत घर चल, डर मत घर चल, घर पर रहा घर पर पड़, घर पर रहा घर पर पड़, कटपट मत कर रट रट कर पड़, खटपट मत कर रट रट कर पड़, हट मत कर नल पर चल, हट मत कर नल पर चल, झटपट टब्बर रुक मत चल, रुक मत चल, चल कर फल रख, चल कर फल रख। ये क्या है आपके लिए जो तीसरा लेसन है, मैं अभी पूरा आपको पढ़कर सुनाई। मेरे ख्याल से ये सभी बहुत आसान है। आपको क्या करना है, सिर्फ ये शब्दों को ठीक से उच्चारण करना है और पढ़ने के लिए सीखना है। इन पढ़ शब्दों को आपको पढ़कर सीखना है। और बाद में यह देखिए, सही अक्षर चुनकर रिक्त स्थानों को पूरी कीजिए, है ना। अंदरे सरियाद अक्षरगळन्न हुडुकि नावु आ ओंदु ब्लैंक्स ना पूर्ति माडबेकु अंत। पहला जो अक्षर, पहला जो शब्द वही दिया है कल, ज डैश दिया है जग, प पट, डैश ट दिया गया है नट, डैश र दिया गया है पर, डैश र दिया गया है गर। अब एक बार मैं दोहराऊंगी। यहाँ देखिए आपको दिखाई दे रहा है ना, कल जग पट नट पर घर। ये सही क्या है, ये सभी जो सही अक्षर हमको चुनकर आपको लिखना है। बाद में गोल में दिए गए शब्दों की सहायता से पूरा शब्द लिखिए। अंदरे नमगे ई ओंदु गोल अल्ली, अंदरे ई ओंदु गोल अल्ली एनु कोट्टिद्दारे, ओंदु अक्षरवन्नु कोट्टिद्दारे, अल्लिंद नमगे आरो मार्क्स कानिस्ता इदे। इदन्न सेरिसिबिट्टु नावु एनु माडबेकु, शब्दगळन्नु माडबेकु। त प्लस न तन, एक उदाहरण दिया गया है, त प्लस न तन, द प्लस न धन, फ प्लस न फन, व प्लस न वन, ज प्लस न जन। ऐसे ही क प्लस ल कल, फ प्लस ल फल, ज प्लस ल जल, व प्लस ल बल, ह प्लस ल हल। ऐसे ही चित्रों का नाम लिखिए, चित्रों के नाम लिखिए। ये क्या है, ये ए हाउस, हाउस को क्या बोलते हैं, घर बोलते हैं, है ना, हाउस को घर बोलते हैं। ये क्या है, वाटर, वाटर यानी जल, वाटर को क्या कहते हैं, जल भी कहते हैं और पानी भी कहता है, कहते हैं जल। फ्रूट्स, फ्रूट्स यानी फल, ये क्या है, फल। और ये क्या है, एक कप, कप, ये क्या है, बस। और ये चोरिएटर यानी रथ, इसे क्या बोलते हैं, रथ बोलते हैं। ऐसा अब हम दो अक्षर वाले शब्द को बनाइए अल्वा। इसे यहाँ देखिए, अ प्लस ब अब, क प्लस ब कब, स प्लस ब सब, ज प्लस ब जब। वैसे ही आपको अक्षरों को करना है। ऐसे ही प प्लस ट पट, र प्लस ट रट, ह प्लस ट हट,
प्लस ट घट ऐसा लिखना है आपको। और चित्रों की सहायता से वाक्य पूरा कीजिए। यह देखिए चित्र दिया गया है ना, इस चित्र के सहायता से हमें क्या करना है, वाक्यों को पूरा करना है। ये क्या है, घर है, पर घर पर चल, यहाँ दो वाक्य दिया गया है, सॉरी दो शब्द दिया गया है। यहाँ इस जो ब्लैंक को भरकर हमें क्या करना है, इस वाक्य को पूर्ण करना है। वैसे ही यहाँ रख दिया गया है और ये क्या है, फल, फल रख, फल रख। और ये क्या है, रथ, ये पर दिया गया है, चढ़ दिया गया है, रथ पर चढ़, रथ पर चढ़। और यहाँ चल दिया है, कर दिया है। यह क्या कर रही है, ये लड़की पढ़ रही है ना, पढ़ रही है, चल कर पढ़, चल कर पढ़। और वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए, वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। यह वर्ण दिया गया है, ब प्लस स बस, क प्लस ल कल, छ प्लस ड छड़, क प्लस प कप, ह प्लस ल हल, न प्लस ल नल, प प्लस ड पढ़, छ प्लस त छत। मेरे ख्याल से आप सबको यहाँ अभ्यास यानी एक्सरसाइज भी मालूम हुआ होगा। और ये सभी एक्सरसाइज को आपको क्या करना है, ये एक्सरसाइज में दिया गया सभी प्रश्नों को इसमें ही लिखना है, पुस्तक में लिखना है। और अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।